तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 4 यानी चौथा भाग। तो देखिए, आज के टेंस में सब हमने सिंपल सेंटेंस और टेंस और भी बहुत कुछ मिक्स किया है। तो देखिए आज का पहला टेंस, तो पहला टेंस पढ़ते हैं, मैं नहीं गया। यह पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव टेंस है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, आई डिड नॉट गो। इसमें डिड लगता है इसलिए आई डिड नॉट गो हो जाएगा। आगे देखते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। इसका हो जाएगा वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। कहाँ का स्पेलिंग पहले लिखा गया है वेयर, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए डूरेज लगेगा, तो वेयर डू यू गो हो जाएगा। आगे देखते हैं तीन नंबर, हम किस तरह आएंगे, हम किस तरह आएंगे। तो किस तरह का होता है हाउ, हाउ मीन्स किस या किस तरह, हाउ मीन्स किस हो जाएगा चाहे किस तरह हो जाएगा। तो इसका होगा हाउ सेल वी कम, हाउ सेल वी कम। वी के साथ सेल लगता है लेकिन आप विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, तो इसलिए हाउ सेल वी कम भी हो जाएगा, ये सही होगा। आगे देखते हैं, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ देखिए कब तक का सबसे पहले लगेगा मीनिंग अनटिल वेन, अनटिल वेन। सेल आई सपोर्ट यू, सेल आई सपोर्ट यू, ठीक है। आगे देखते हैं, पांच नंबर है, रोहित की बहन कहाँ जा रही है, रोहित की बहन कहाँ जा रही है। तो इसका देखते हैं कहाँ का स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया इज, रोहित सिस्टर्स, रोहित एपोस्ट्रोफी एस लगा है सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है रोहित की बहन, इसके लिए रोहित एपोस्ट्रोफी एस सिस्टर। गोइंग, गोइंग मतलब जा रही है, तो वेयर इज रोहित एपोस्ट्रोफी एस सिस्टर गोइंग। आगे पढ़ते हैं, वो किस शहर से आया था। तो इसमें किस शहर से का सबसे पहले मीनिंग लगाया जाएगा फ्रॉम विच सिटी, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें हैड लगेगा, तो फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम। आगे देखते हैं, राम खेलता है, राम खेलता है। यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए इसमें यस या यस लगेगा, तो राम प्लेज, प्लेज में यस लग गया है, प्लेज हो गया है। आगे देखते हैं, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। यह टेंस जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्यों आ गया है इसलिए इसमें डू डज का प्रयोग होगा, तो वाई डज दैट बॉय थिंक सो, थिंक मीन सोचना, सो मीन्स ऐसा, तो वाई डज दैट बॉय थिंक सो। आगे देखते हैं, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, ये बच्चे कहाँ रहते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है जिसमें कहाँ आ गया है या एक प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें डू डज लगेगा, तो वेयर डू द चिल्ड्रेन लिव, वेयर डू द चिल्ड्रेन लिव। बहुवचन है क्योंकि बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए डू लगेगा, डू द चिल्ड्रेन लिव। आगे देखते हैं अगला टेंस, लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं, लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे द गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस स्टरडे, इसमें कल से टाइम दे दिया है इसलिए हैव बीन लगेगा, या फिर अगर एक लड़की के लिए कहता तो हैज बीन लगता, लेकिन यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ हैं इसलिए बहुवचन हो गया है, इसमें हैव बीन लग गया है। प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास, अभ्यास कर रही हैं किस चीज़ का, डांस का, कब से यानी कल से यानी सिंस स्टरडे।